गुलाब जामुन की टेस्ट वाला जूसी स्पॉन्जी और रुई जैसा सॉफ्ट गुलाब जामुन केक बनाने में एकदम आसान। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रही है एक बहुत ही लाजवाब केक की रेसिपी। केक कई सारे प्रकार के आपने बनाए होंगे, लेकिन बिना खोए का गुलाब जामुन केक शायद ही आपने बनाया हो, तो आज वही वाला केक हम बना रहे हैं। तो जब भी आपके पास बच्चे केक खाने का जिद करते हैं तो इस केक को जरूर ट्राई करिए। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं लगते हैं, ना ज़्यादा मेहनत है और ना ज़्यादा टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो हमने यहाँ पर ली है एक कप सूजी। यहाँ पर मैं कप का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास कप नहीं है तो सिंपल से घर में कोई भी एक जो कटोरी होती है उसको सेट कर लीजिए। देन इसमें जाएगा हाफ कप दही। दही हमने बहुत ज्यादा खट्टा नहीं लिया है। नेक्स्ट 1/4 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, घर पर जो दूध पर मलाई निकलती है ना, बस वही वाली। तो ये इसमें खोए का काम करेगी। देन इसमें जाएगा ऑयल, तो 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। अगर आपके पास घी है तो घी का भी यूज कर सकते हैं। और हाफ कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी को पीस कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम इसे मिक्सी में बना रहे हैं तो चीनी उसमें घुल जाएगी। और नेक्स्ट इसे गुलाब जामुन का टेस्ट देने के लिए हम आधा कप ऐड कर रहे हैं मिल्क पाउडर। जस्ट अभी के लिए मैं इसमें 1/4 कप भर के मिल्क ऐड कर रही हूँ। ज़रूरत के अनुसार फिर से हम इसमें ब्लेंड करते समय मिल्क ऐड करेंगे। तो चलिए अब इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। बस बैटर हमें ऐसा बनाना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, गांठे ना रहे, इतना ही हमें मिक्सी में इसे चलाना है। तो चेक करके देखते हैं। मिश्रण अभी काफ़ी गाढ़ा है तो इसमें हमें दूध ऐड करना पड़ेगा। तो फिर से मैं इसमें 1/4 कप मिल्क ऐड करूंगी। मिल्क ऐड करने के बाद एक बार स्पैचुला से इसे चला लेते हैं और जस्ट एक मिनट के लिए फिर से इसे ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो केक का बैटर है बिल्कुल रेडी हो जाएगा, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। अब केक को राइस करने के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट अभी हमें इसमें ऐड करना बाकी है। तो पहले हम केक टिन को प्रिपेयर कर लेते हैं। जिस किसी भी केक टिन के अंदर आपको केक बनाना है तो पार्चमेंट पेपर लगाकर या ऐसे ही आप इसे घी या तेल के साथ ग्रीस कर सकते हैं। मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है और अब इसे ग्रीस करके रख देती हूँ साइड में। चलिए अब यहाँ पर जो हमने ब्लेंड किया हुआ केक का मिश्रण है इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो इस केक को हम सिंपल सा कढ़ाई में ही बना रहे हैं, बट कढ़ाई में बनाइए या ओवन में, उसे प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कढ़ाई को भी हम प्रीहीट कर लेंगे जब तक हमारा जो बैटर है वो प्रिपेयर हो जाता है। और देखिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डालकर रखा है और देन इस तरह का वायर रैक इसके ऊपर रख देती हूँ। अब इसे प्रीहीट होने देंगे। तो कढ़ाई प्रीहीट हो रही है, तब तक बैटर को भी प्रिपेयर कर लेंगे। बैटर को बाउल में निकालने के बाद इसे एक्टिवेट करने के लिए अब हमें इसमें ऐड करना है एक सैशे इनो का। जो लेमन फ्लेवर वाला इनो है वही हमें यूज करना है। और इनो पाउडर ऐड करने के तुरंत बाद हमें इसके ऊपर ऐड करना है जस्ट 1 टीस्पून भर के मिल्क, ताकि इनो जो है वो एक्टिव हो जाए। अब हल्के हल्के हाथों से इसे फटाफट मिक्सअप कर लेते हैं कट एंड फोल्ड मेथड का यूज करके। और बस यहाँ पर हमारा जो बैटर है रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे केक टिन के अंदर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम गुलाब जामुन का केक तैयार कर रहे हैं, इसलिए फ्लेवर के लिए मैंने कोई वैनिला या और कोई एसेंस इसमें ऐड नहीं किया है। तो फ्लेवर के लिए बाद में इलायची का पाउडर हम इसमें ऐड करने वाले हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। गार्निशिंग के लिए थोड़े से पिस्ते के कतरन मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और बस अब हमें इस टिन को प्लेस करना है कढ़ाई के अंदर। तो करीबन 30 से 40 मिनट लग जाएंगे केक को बेक होने के लिए। तो लो फ्लेम पर अब इसे छोड़ देते हैं 40 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर भी आपको क्लिक करना है, ताकि इसी तरह की यम्मी डिलीशियस रेसिपी आपको
उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो देखिए 40 मिनट के बाद हमारा जो केक है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसमें इस तरह से नाइफ को इंसर्ट करके देखेंगे, अगर बैटर नहीं आ रहा है नाइफ के ऊपर मतलब हमारा जो केक है बिल्कुल रेडी है। तो अब ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देते हैं। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम केक को डिमोल्ड कर लेंगे। तो इसके जो साइड एजेस हैं इसे इस तरह से फ्री अप कर लेते हैं। और देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा केक एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनकर तैयार है। इसका जो पार्चमेंट पेपर है इसे रिमूव कर देंगे। अब वीडियो छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि केक हमारा अभी भी रेडी नहीं है। गुलाब जामुन का केक बना रहे हैं तो गुलाब जामुन जैसा जूसी बनेगा। तो इसके लिए हमें केक के ऊपर इस तरह से टूथपिक का यूज़ करके इसे प्रिक करना है, मतलब इसके ऊपर छेद बनाने हैं। और अब इसके ऊपर पोर करेंगे सिरप। तो जो गुलाब जामुन के लिए हम चाशनी बनाते हैं उसी तरह की चाशनी बनाएंगे। और इसमें थोड़ा सा मैंने इलायची का पाउडर भी डाल दिया है इलायची फ्लेवर का बनाने के लिए। और अब इसके ऊपर पोर करेंगे सिरप। चाशनी आपको बिल्कुल सिंपली वैसे ही तैयार करनी है जैसे कि हम गुलाब जामुन के लिए तैयार करते हैं। अब क्योंकि मेरी गुलाब जामुन की पहली वाली चाशनी बची हुई थी तो मैंने प्रिपेयर नहीं की है। आपको अगर प्रिपेयर करनी है तो 1/4 कप आप ले लीजिए चीनी, उसमें डाल दीजिए उतना ही पानी। और जब एक तार की चाशनी बन जाए या फिर 4-5 उसमें उबाल आ जाए तब गैस को कर दीजिए बंद और आपकी जो चाशनी है बिल्कुल रेडी हो जाएगी इस केक के लिए। सो लीजिए यहाँ पर हमारा जूसी और सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। तो इस केक के ऊपर लगभग हमें 1/4 कप जो चाशनी है पूरी की पूरी डाल देनी है। और देखिए इसे कट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो केक है बिल्कुल जूसी है, बिल्कुल स्पॉन्जी और एकदम रुई जैसा सॉफ्ट है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि केक पूरी तरह से ठंडा कर ले और उसके बाद ही हमें इसके ऊपर चाशनी को डालना है, नहीं तो आपका जो केक है बिल्कुल सौगी सौगी गीला गीला सा हो जाएगा। तो एक रेसिपी के अंदर गुलाब जामुन और केक दोनों का मजा लीजिए और इस केक को जरूर ट्राई करिए। लीजिए यहाँ पर हमारा गुलाब जामुन फ्लेवर केक बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो एज अ टी टाइम केक बनाइए या जब भी बच्चे जिद करते हैं कभी भी आप इसे बना सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसे पसंद करेंगे। तो बिना फ्राइड गुलाब जामुन का टेस्ट आप इस केक के साथ ले सकते हैं, तो इसे एक बार जरूर ट्राई करिए। अगर आपने अभी तक रेसिपी के लिए लाइक नहीं किया है तो वीडियो खत्म होने से पहले जल्दी से रेसिपी के लिए लाइक कर दीजिए। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट मुझे करना है जिससे मोटिवेट होकर मैं इसी तरह से यम्मी यम्मी डिशेस आपके लिए लाती रहती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ मेरे चैनल अर्चना जैन द क्वीन ऑफ किचन पर। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।